नमस्कार, मैं हूं नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। जानेंगे आज की खबरें, लेकिन सबसे पहले नजरें आज की हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर की मंसूरपुर थाना पुलिस ने मुठभेड़ के बाद शातिर वाहन चोरों को किया गिरफ्तार। जनपद में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद भी राशन और अन्य दुकानों पर नहीं रुक रही भीड़। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीओ जान सटर शकील अहमद ने गांव कवाल में पहुंचकर शांति समिति की बैठक का किया आयोजन। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल क्षेत्र में एएसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने सीओ क्राइम हेमंत कुमार के साथ बूथ स्थलों का किया निरीक्षण। शामली के कस्बा थाना भवन में सिटी नर्सिंग होम में निशुल्क स्वास्थ्य कैंप का किया गया आयोजन। सहारनपुर में हरियाणा के संयुक्त साहित्यकारों ने 9वीं सदी के विष्णु अवतार भगवान श्री देव नारायण की पुस्तक का किया विमोचन। मुजफ्फरनगर के रामराज थाना क्षेत्र में पुलिस ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे के पंचायती मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दीर्घायु की कामना को लेकर किया गया भंडारे का आयोजन। मीरापुर पीएससी पर टीकाकरण कैंप का किया गया आयोजन। मुजफ्फरनगर के मीरापुर में आदर्श आचार संहिता का पालन कराते हुए प्रशासन ने राजनीतिक होर्डिंग्स और पोस्टर को हटवाया। मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व एसएसपी द्वारा विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। आदर्श आचार संहिता लगते ही नगर पालिका प्रशासन के द्वारा नगर के विभिन्न स्थानों से हटवाए गए राजनीतिक होर्डिंग्स और पोस्टर।